देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम। ये इल्ज़ामात की सियासत करते हैं, इंतशार की सियासत करते हैं, और बदकिस्मती के साथ चाहे अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, इल्ज़ामात के अलावा इनको कोई और चीज़ नहीं करनी आती। कराची के आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया बिकॉज उनको नज़र आया कि पिछले चंद सालों में उनके सामने MQM भी थी, उनके सामने PTI भी थी, उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, यानी कि वफाक, सूबाई और मकामी हुकूमत। लेकिन उन्होंने देखा कि सूबाई हुकूमत में रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामों की रफ्तार को तेज़ किया, काम को लोगों ने होते हुए देखा, और मैं समझता हूँ वो जो काम है उसके बेसिस के ऊपर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिला। कराची वालों ने देखा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक्वामी सतह पर लड़ रहे हैं, और उनको अच्छा लगा कि एक नौजवान रहनुमा इफेक्टिवली पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर के सामने उजागर कर रहा है। मैं समझता हूँ ये वो चेंजेस थी जिसकी वजह से कराची वालों ने वोट दिया। पीटीआई वाले आज भी परेशान हैं, 2018 में जब जीत गए थे तब भी परेशान थे, और अगले जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी परेशानी होंगे, बिकॉज परेशानी ही इनका मुकद्दर है। विजिट करो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।